बाबा नंद सिंह साहब ने एक पावन साका सुनाया, गुरु नानक पातशाह नगर तो तुरन लगे सारे ही नातुर पे खिंचे हुए हन साहब वल, सारे ही नातुर पे साहब ने देखे कि सारे ही नगरवासी नातुर पे हैं। खेड़ बरताया, थोड़ी दूर गए तो आली दुआली देखा, फरमाया क्या बढ़िया कीमती वस्तुआं पई हैं इत्थे, चोलियां परो ते ले जाओ। सारे कई टुट के पै गए उत्थे, सब ने अपनी चोलियां पड़ियां ते वापस तुर पे। साहब अगे फिर तुरे जा रहे, फिर मुड़ के देखिया हाले भी काफी जने आ रहे। थोड़ी दूर अगे जाके कहंदे ओ पहलियां तो भी कीमती वस्तुआं पईआं हन, कहंदे आ बढ़िया इत्थे वस्तुआं निरंकार ने बख्शियां होईआं हन, चोलियां परो ते लै जाओ। कईआं ने चोलियां परियां ते पड़त गए। थोड़ी देर अगे गए फिर भी कुछ जने तुरे आ रहे, होर कीमती चीजां चांदी सोना वगैरह और दिखाया। कहन लगे फिर तुसी होना तो चंगे रह गए, हुण अपनियां चोलियां परो ते जाओ अपने घरां। चोलियां परियां ते तुर गए। सच्चे पातशाह अगे जा रहे हन, देखिया मुड़ के तो सिर्फ एक जना तुरे आ रहा है, भाई लहना जी पिछे आ रहे हैं। फिर पूछन लगे कि लहना जी असी एनिया कीमती दातां लुटाइया हैं, तुसी भी अपनिया चोलियां पड़दे ते ओ लैके चले जांदे। अगों फरमांदे कि हम लहना जी मेरे साहब गुरु अंगद साहब के सच्चे पातशाह मैं घाटे च नहीं रहा। गुरु नानक पातशाह पुछते हैं कि की मतलब, कि सच्चे पातशाह ओ दाता लुटान वाला दातार जो मेरे पास है। गुरु नानक पातशाह ने उस प्यार कल बकरी विच लै लिया। जी गुरमत पाए।